नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति कुशवाहा। आइए देखिए खबर। भाजपा ने अपनी पहली सूची में 39 टिकटों में बालाघाट की लांजी विधानसभा से राजकुमार कर्राहे को अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। इस घोषणा के साथ ही यहां पर पूर्व विधायक व टिकट के प्रबल दावेदार माने जाने वाले रमेश भटेरे व उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं और टिकट बदले जाने की मांग कर रहे हैं। टिकट बदले जाने की मांग पर शीर्ष नेतृत्व ने अब तक कोई निर्णय नहीं किया है, जिसके चलते लांजी के हजारों की संख्या में भाजपाइयों ने आज रमेश भटेरे के समर्थन में और घोषित प्रत्याशी के विरोध में विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली। ये रैली लांजी से 80 किलोमीटर का सफर तय करते हुए जिला मुख्यालय में भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन कर पार्टी के नेतृत्व तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए नुक्कड़ सभा की। इन प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है कि घोषित उम्मीदवार की टिकट बदली जाए, अन्यथा वो उसके लिए कोई काम नहीं करेंगे। लगभग लगभग यहाँ पे 5,000 कार्यकर्ता उपस्थित हुए। क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि हमको भाजपा को बचाना है। कार्यकर्ता बंधुओं, जो लगातार 15 वर्षों से निरंतर आम जनताओं के सुख दुख में साथ ही रहे हैं, उनके कंधा से कंधा मिलाते हुए चलते रहे, दो बार चुनाव हारे, बड़े पैमाने के चुनाव लिया रहे। पहला चुनाव उनने बैंकों में जीते, उसके बाद 68,000 चुनाव हार गए, क्योंकि वहाँ पे डेमोग्राफिक परिस्थिति ऐसी थी, वहाँ पे जियोग्राफिक परिस्थिति ऐसी थी, वहाँ पे SC ST बाहुल्य क्षेत्र का, वहाँ पे लांजी क्षेत्र में पीछे हो गए। दूसरे बार में 2018 चुनाव में वो हो गया 72,000 रुपये। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो चुनाव नहीं हारे, वो लगातार चुनाव जीतते गए। संगठन ने कहा है कि जो उन्होंने फैसला कर दिया वो चेंज नहीं होगा, कोई टिकट चेंज। संगठन को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा, उसका कारण बता तो मिल जाएगा। नहीं बदलता संगठन निर्णय तो नहीं बदलता तो हम लड़ेंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे। ये हम पूरे कार्यकर्ताओं का निर्णय है। नहीं, ये तो वही बात का विषय है, निधन करते नहीं लड़ते है ना, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और इसका कार्यकर्ता है, इसका उनके साथ में उनके साथ में खड़े रहते हैं। मेरा फिर तो वही कहना है कि रमेश भैया भारतीय जनता पार्टी के अटूट अभी नहीं हिस्सा है। अगर टिकट नहीं मिलती है, नहीं मिलती है तो वो बात का विषय है। सभी कार्यकर्ता इस्तीफा देंगे, सभी कार्य पूरे, क्योंकि रमेश भैया के साथ में सभी कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। रमेश भैया का जो भी निर्णय होगा वो कार्यकर्ता फैसला देंगे। लेकिन कार्यकर्ता कहाँ से लाएंगे, कैसे भी मुश्किल नहीं जाएगी हमें किसी की जीत में? भारतीय जनता पार्टी एक फेडरलिस्ट पार्टी है, पार्टी का कार्यकर्ता है, ठीक है, अभी नाराजी है, पार्टी के साथ चलेंगे कार्यकर्ता, जो उम्मीद कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आप जिला अध्यक्ष जिम्मेदार पद पर हैं, अगर देखिए मैंने पुनः कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुझे कार्यकर्ता है, पार्टी की विचारधारा के साथ पार्टी के साथ जुड़ा है, ठीक है, अभी उनमें नाराजी है, उनका मानना है कि टिकट गलत दी गई है इसलिए वो यहाँ आया है। अगर नेतृत्व को ऐसा लगेगा कुछ कि ऐसा कुछ गलत हुआ तो नेतृत्व जो है प्रदेश नेतृत्व का केंद्र नेतृत्व बात करेगा, और जो उनका ऊपर विशेष आएगा उसके बाद हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, भाई आपने जो डिमांड रखी थी हमने ऊपर आपका जो आग्रह था भेज दिया, उसके बाद जो नेतृत्व जो तय करेगा वो कार्यकर्ता मानेगा, मेरा पूरा विश्वास मना लिया जाएगा। बिल्कुल, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, वो कार्यकर्ता ही हैं। 10-25 साल से भटेरे जी वहाँ मांझी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता।